हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 11 एस के अंदर या इन्फिनिक्स नोट 11 के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर जो आपकी कॉल होती है उसे आपको ऑटो आंसर इनेबल करना हो तो कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्या अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल को ऑटो आंसर कैसे कर सकते हैं ऑटोमेट, तो इसी वीडियो में आपको बताएंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखना। आपको अपनी ऑटोमेटिक कॉल आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आएंगे आप, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है, इस नीचे आके स्पेशल फंक्शन, सिंपली आपको स्पेशल फंक्शन में आ जाना है। यहाँ से आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्शन एंड जेस्चर, सिंपली आपको इस पर टैप कर लेना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर राइज टू ईयर, सिंपली आपको इस पर टैप कर लेना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो राइज टू ईयर वाला ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसे आप इनेबल कर देंगे। इससे नहीं हो क्या, जैसे आपके फ़ोन के अंदर कोई कॉल आती है, आपको अपनी फ़ोन कॉल का आती है, आपको अपना फ़ोन सिर्फ अपने कान के पास ले जाए, जैसे आपको फ़ोन आपके कान के करीब पहुंचता है आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो रही है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहां से देख सकते हैं। यहाँ से हम बैग आते हैं, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाती है फिर फ्लैश लाइट, अगर आपको अपनी फ्लैश लाइट ब्लिंक करानी है कॉल आती है तो सिंपली आप इसे इनेबल कर देंगे, तो आपकी जैसे ही कॉल आती है तो फ्लैश लाइट आपकी ब्लिंक करने लगेगी। यहाँ से आपको स्मार्ट स्क्रीन मिल जाती है और बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर ऑटो आंसर कॉल इनेबल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि अपन वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।